चारगाम के निवासी केतन चिंटू परमार ने साल 2004 में अमरोली में भगवान उर्फ भगोर अबारी की हत्या की थी। इस केस में केतन परमार को आजीवन कैद की सजा हुई थी और लाजपोर जेल में रहने के दौरान केतन परमार 10 दिसंबर को पैरोल पर छूटा था और 25 दिसंबर को वापस लाजपोर जेल में उपस्थित होना था। इस दौरान उससे पहले 19 दिसंबर को केतन परमार बाइक लेकर वराछा AK रोड अशोक नगर से फुलवाड़ी रोड की तरफ रेलवे पटरी के पास से गुजर रहा था, तभी भगवान रबारी की हत्या का बदला लेने के लिए उसके सगे भाई आशीष हरजीवन देसाई ने अपने साथियों के साथ मिलकर केतन परमार को रोक कर धारदार हथियार का वार कर हत्या कर दी। इस केस में वराछा पुलिस ने अपराध दर्ज कर जांच SC/ST सेल के सहायक पुलिस कमिश्नर पिनाकिन परमार कर रहे थे। पुलिस ने संबंधित समय में आशीष देसाई समेत अन्य आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद गत रोज फरार बिपिन उर्फ रविंद्र मालिया यादव रहवासी कर्मयोगी सोसाइटी बमरोली रोड पांडेसरा और आशीष सी उर्फ बीनू केसरी सी निवासी सत्यनारायण नगर सोसाइटी बमरोली रोड पांडेसरा के निवासी दोनों अपराधियों को पुलिस ने दर दबोचा और सलाखों के पीछे पहुंचाया।